ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। बेसिकली ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है? तो आज हम बहुत बेसिक रखेंगे। अगर मैं आपको नीट का सिलेबस दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी मतलब, तो आप समझ पाओगे कि इसमें दो टाइप का डिस्कशन आपके होना है, ठीक है? एक डिस्कशन आपका डेडिकेटेड होगा बेटे सेंटर ऑफ मास को लेकर, ठीक है, जो हम कभी किसी और क्लास में हाँ करेंगे, और एक होगा रोटेशनल मोशन को लेकर। तो आज हम पहले रोटेशनल मोशन समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन मैं आपको समझा चुकी थी, एंगुलर वेरिएबल्स आप जानते हो, आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह क्या है। फिर भी जी आई हाँ विल गिव जी यू अ क्विक रिकैप, ठीक है? फिर भी एक हम क्विक रिकैप उस चीज का ले यस लेंगे, मैम ठीक है बेटा? यस मैम ओके, यस दैट इज कूल, मैम ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक में आपका यहाँ पर अगर लिखना चाहूं तो सिंपल सी बात है कि हम टाइप्स ऑफ मोशन इसको टारगेट करके चलेंगे, और फिर आगे अपना लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप के तौर पर एक पुरानी बात, जो कि इस चैप्टर के लिए बेहद जरूरी है, उस चीज को मतलब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट थिंग इज सर्कुलर मोशन। फिर अपन इस पर आगे टाइप्स ऑफ मोशन से आ जाएंगे, ठीक है? ये आपका रिकैप वाला पॉइंट है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई वुड रेट इट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये तो आपको पता ही होना है। तो सर्कुलर मोशन के नाम पे एक सर्कल बनाना तो मतलब लाजमी है ही, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन सिर्फ सर्कल से रिलेटेड नहीं होता। अगर आप नॉर्मल खड़े हो, एक चिड़िया है जो आपको ऐसे सामने दिख रही है कि वो उड़ रही है, और वो उड़ के अपना पोजिशन चेंज कर दे, तो आपकी आंख बिना गर्दन घुमाए, आपकी जो आंख देखती रहेगी उसे, वो एक सर्कुलर मोशन हो सकता है। जबकि बर्ड जो है स्ट्रेट मोशन कर रही है, आप लोग नॉर्मल खड़े हो, पर फिर भी सर्कुलर मोशन वहां पर आ गया। तो आई गेस आपको ये चीज समझनी होगी कि सर्कुलर मोशन को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पर हो कि नहीं, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ला पा रहे हो कि नहीं। यस यस यू मैम नो? यस गुड। फिर इसके बाद हमारा जो डिस्कशन रहा था बेटा, वो मैंने अगर आपको याद हो तो ऐसे बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने जो भी निकाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सभी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इन वेक्टर क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर है तो बेटा इसका डायरेक्शन भी हुआ। क्या आप बताओगे इसका डायरेक्शन क्या होता है? मैम सर्कल के सेंटर में नहीं, देखो सर्कल नहीं के सेंटर से ये जो एक्सिस पास हो रहा है, इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको एक्सियल वेक्टर्स भी बोलते हैं, ये ना ऐसे एक एक्सिस पास हो रही होगी, ठीक है? सर्कल के सेंटर से लग रही है, सेंटर से पास होती हुई। यस मैम ओके, तो ये जो एक्सिस है ना, इसके अबाउट आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। दीज आर एक्सियल वेक्टर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी भी आपको बोलूं कि एक्सियल वेक्टर्स हैं, तो उनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आता है। इज दैट ओके? यस ठीक मैम है, ठीक है। फिर मैंने आपको याद हो तो लास्ट क्लास में, मतलब जब भी हमारा जिक्र हुआ था इस चैप्टर को लेकर, तब मैंने आपको बताया था कि हमको ये चीज पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट? तो फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे जो ये पार्टिकल है, ये यहाँ हुआ करता है किसी टी इज इक्वल्स टू जीरो पर, ठीक है? फिर किसी टी इज इक्वल्स टू टी टाइम में ये यहाँ पहुंच गया, राइट? पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पहुंच गया, तो ये एंगल कवर हुआ ना, यस इसको थीटा बोल दिया। इस जिस ग्राफ पर हम बात कर रहे हैं, जिस रेडियस की बात, मतलब ये सर्कल की बात कर रहे हैं, ये उसका रेडियस हो गया आर। बेटा इसके अंदर आप जब इस वाले एंगल को देख पाओगे, देखो ये वाला जो चीज है, ये चीज, राइट? ये जो कवर्ड करा है उसने, एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस कवर किया है ना बेटा? यस मैम यस। तो इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है? इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, जिसको आप एस से भी बोलोगे।
ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आर, इस हिसाब से आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, या फिर आप लिख सकते हो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो इतनी बेहतरीन इक्वेशन ही आपके सामने आई है कि इस इक्वेशन ने एक लीनियर वेरिएबल को एक एंगुलर वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वेलोसिटी आ जाएगी, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसके हिसाब से आपके पास ये रिलेशन आते भी हैं। पहला आता है s इज इक्वल्स टू आर थीटा, फिर आता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, फिर आता है a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इज दैट ओके? यस मैम। वीडियो चली गई क्या? अरे यस मैम। यस मैम। क्या ही होते रहता है, अभी तो सब सही था। नहीं, मेरा वीडियो। यस मैम, आपकी गई है। यस मैम। यस मैम। अभी ओपन भी नहीं हो रहा। फिलहाल लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही लागू रहती हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है ना बेटा, तो ये अगर आप एंगल्स इनके 90 डिग्री से अलग कर दोगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी, फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। पर अभी वो मेरा कंसर्न नहीं है, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आती है तो मैं आगे चल सकती हूँ। चलो आगे। यस मैम। अब एक प्यारा सा टॉपिक मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, आप लोग बताइएगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने मेरे को पता है जिस दिन हमारी वीडियो अटकी थी उस दिन इतना डिस्कशन हो चुका था कि रिजिड बॉडी क्या है, तो आप लोग एक बार बता देते तो अच्छा होता, थोड़ा बहुत याद है आपको उस क्लास का। मैम, रिजिड बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जिसमें कोई सा भी अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होती है, वो बदलती नहीं है उसकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस अनामिका, दीज हर्ट्स आर फॉर यू, वेरी गुड। तो अनामिका ने बहुत प्यारा डिफाइन किया, उसने बोला कि मैम रिजिड बॉडी इज दैट आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी, आइडियल मतलब एक ऐसी बॉडी जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, एन आइडियल बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स, कोई भी वो जो अगर आपके पास रिजिड बॉडी है ना उसके कोई भी दो इंटरनल पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच किसी भी सूरत में डिस्टेंस नहीं बदलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, हमेशा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, नो मैटर हाउ मच फोर्स यू वुड अप्लाई, ठीक है। इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसी भी फोर्सेस लगा दो, उसके इंटरनल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किसी सूरत में नहीं बदलेगा, ठीक है, इसी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। और बेटा मैंने पहले ही लाइन में लिख दिया कि ये आइडियल बॉडी होती है, ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, आप लोगों को पता है ना इस बार जो आपका 21 जनवरी को टेस्ट होगा वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का होगा? यस मैम। यस मैम। आप उसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अब हमारी क्लास जैसे अब कल तो संडे है ही, है ना, पर अगर आप आज भी कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे आप ड्रॉप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में आपको पहले पढ़ना है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में भी हम दो टाइप का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर और बेटा एक पढ़ा जाएगा कर्विलिनियर, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप जो पढ़ोगे वो होगा रोटेशनल मोशन, और उसके बाद हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे बेटा प्लेनर मोशन, ठीक है। चलिए, ट्रांसलेशनल मोशन बड़े ही सिंपल सी, बेहद यू नो आसान सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉडी यहां पहुंच गई। अभी भी मुझसे अगर सेम बॉडी बन जाए तो क्या ही बात है, बट कोशिश करते हैं। यस यस आई नो।
अरे चलो मान लेते हैं यही। तो हुआ क्या है कि एक बॉडी, देखो इसका एक पार्टिकल ए हमने लिया। नहीं, हंसना नहीं है, हंसी के बाद ध्यान रखना है। ये देखो पॉइंट यहाँ का यहाँ पहुंच गया। एक मैंने बी को ट्रैक किया तो बी यहां से यहाँ आ गया। थैंक यू और फिर हमने एक पॉइंट सी लिया और देखो वो ऐसे आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पर सारी ट्रेजेक्ट्रीज एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी आपको ये वाली कंडीशन दिखे, पैरेलल प्लस स्ट्रेट लाइन, ये आपको ट्रेजेक्ट्री अगर दिखे तो समझ जाइएगा कि हमारे पास रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक बॉडी, थोड़ी रिजिड बॉडी ऐसे बनाते, जैसे एक बॉडी ये है, वही बॉडी ये है, ठीक है। उसके कुछ पार्टिकल्स मैंने अब लिए हैं, जैसे कि ये एक पार्टिकल ए ले लिया, मैंने देखा कि ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, ठीक है। फिर मैंने बी को ट्रेस आउट किया, बी भी ऐसे ही गया। देन आई ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल सी और भाई पार्टिकल सी भी ऐसे ही गया। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि मैम इस केस में ट्रेजेक्ट्रीज पैरेलल तो है बट स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। मैम तो जब भी आपके पास ऐसे आए तो आप बोलोगे कि मैम ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन है। समझ में आया? सॉरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज एंड द पैरेलल पाथ यू कैन टेल मी कि मैम ये कौन से टाइप का मोशन है, राइट? तो एक चीज तो हमारी ये कवर हुई। अब आते हैं रोटेशनल मोशन पर। रोटेशनल मोशन बड़ा ही प्यारा सा मोशन है और ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बेटा यही तो आपका चैप्टर है। रोटेशनल मोशन में होगा क्या कि आपको एक बॉडी दे देंगे और कह देंगे कि उसका एक पॉइंट हमने जो है यहां से, जैसे सपोज कील गाड़ दिया, ठीक है, इट इज हिंज्ड। अब इसको क्या, किस किस नाम से जान पाओगे आप? देखो आपको ये पेपर में हिंज्ड पॉइंट मिल जाएगा, आपको फिक्स्ड पॉइंट के नाम से मिल जाएगा, आपको पिवटेड पॉइंट के नाम से मिल जाएगा। इन सभी का मतलब क्या है कि ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है? यस मैम अब आपकी जो बॉडी है ये इसके अबाउट घूम सकती है। तो मैंने इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दिया, मैंने यहां से एक लाइन खींची और इस लाइन पे मैंने कुछ पोजीशंस पार्टिकल की जो है मेंशन कर दिया आपके लिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया पॉइंट सी और लेट से एक पॉइंट आप मान लीजिए डी। कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा, जब ये बॉडी रोटेट हुई तो सिर्फ मैं ना ये एक्सिस बना रही हूँ, आप समझ जाइए तो पूरी बॉडी भी रोटेट हुई होगी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा कि ये पॉइंट बी यहाँ पहुंच चुका था, ये पॉइंट सी यहाँ पहुंच चुका था, यहाँ पे लिख देते हैं, और ये पॉइंट डी यहाँ आ गया था। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेजेक्ट्री बनाओगे बेटा तो आपको मिलेगा कि ये इस तरीके से, समझ रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बस एक चीज बताना कि इन सारी ट्रेवलिंग में, इन सारी चीजों में इन्होंने सबने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, जैसे कि ये बी से बी प्राइम तक गया, सी से, है ना, सी से सी प्राइम, डी से डी प्राइम, और ए तो मूव ही नहीं किया। तो आप मुझे, हाँ जी बेटा, तो मुझे ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें तो सेम रही और क्या क्या चीजें डिफरेंट रही इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ मोशन, जिन चीजों से आप मोशन डिफाइन करते हैं उनके रिस्पेक्ट में बताइए। हाँ जी जानवी, मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, वेरी नाइस। और एंड एस तो लिनियर वेलोसिटी और लिनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहेंगे ओके, अनामिका आप बताओगे बेटा? मैम, वही मैम, थीटा और ओमेगा सेम रहेगा और जो डिफरेंट होगा वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही बोला आप लोगों ने। यहाँ पे जितने भी लीनियर एस्पेक्ट्स होंगे वो होंगे डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने लीनियर डिस्टेंस ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवल किया है। और जितने भी सेम एस्पेक्ट्स होंगे वो होंगे आपके एंगुलर एस्पेक्ट्स, ठीक
ठीक है, अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोटेशनल मोशन, आप बोल सकते हैं कि रोटेशनल मोशन इज अ कलेक्शन, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर आप ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ए के अबाउट। ये सुनो। यस मैम। यस, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाली चीज। अब बात करते हैं थर्ड मोशन की, एंड दैट इज योर प्लेनर मोशन। मैंने आपको हमेशा बोला होगा ये वाली चीज कि प्लेनर मोशन को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई समझा सकता है तो वो है रोलिंग ऑफ अ व्हील, क्योंकि इस पर तो हमारी लाइफ ही बेस्ड है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी चाहिए हो तो भाई हमको साइकिल, बाइसिकल, यू नो, स्कूटी, रिक्शा वगैरह किसी की भी चीज की जरूरत पड़ेगी। रोलिंग ऑफ अ व्हील ही वहां पे मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास रोड है, ठीक है, इस रोड इस पर हमने अपना वाहन उतारा, वाहन का ये पहिया है। अब आप ध्यान से कुछ पॉइंट्स को देखिएगा जो मैं आपके लिए बना रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा बेटा, ये ए पॉइंट जो सेंटर पर है, ठीक है, फिर आप देखिएगा ये पॉइंट बी जो बिल्कुल टॉप पर है। अब आप एक बात बताओ, ये व्हील घूमेगा भी, यानी कि ये पॉइंट बी मूव करेगा इस तरीके से? यस। और ये जो आपका पॉइंट ए है, ये ऐसे स्ट्रेट चलेगा, तभी तो आप आगे जा पाओगे। अदरवाइज अगर ये पहिया सिर्फ घूम रहा होता तो आप एक ही जगह खड़े रहते, जैसे कि साइकिल्स में होता है, है ना? लेकिन हाँ जी, और अगर खाली पहिया आगे जाए जा रहा होता तो सोचो आप खुद ही अपने पैरों को चला रहे होते, मतलब पहिया आपको जो रोलिंग वाला फील देता वो तो आता ही नहीं। तो बेसिकली पहिया होता क्या है, घूम भी रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है। तो दो मोशंस का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मैं फिर भी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे इसको ड्रॉ करती हूँ, आप देखो, देखना देखो, एक मैंने इंटरमीडिएट स्टेट्स बनाई है इसलिए मैंने इनको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि ए पॉइंट देखिए यहां पर आ गया, ये बी पॉइंट कुछ सोचो यहां तक आ गया होगा, ठीक है, फिर आप एक और व्हील का, ओके, फिर आप एक और व्हील का पोजीशन बना दीजिएगा, ठीक है, फिर उसमें आप देख लीजिएगा कि पॉइंट ए तो अभी भी सेंटर पर है, पॉइंट बी यहां तक आ गया, फिर हमने एक फाइनल स्टेज बना देनी है, आप उस फाइनल स्टेज को देख लीजिए, राइट। तो बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से ये चीजें मूव करी और ये बी आपका यहाँ बिल्कुल बॉटम में आ गया जो पहले टॉप पर था। अगर आप इस ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करोगे, आप इसको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस कि यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। तो इस तरीके का, यस, yes. इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है कि प्लेनर मोशन इज इक्वल्स टू रोलिंग मोशन प्लस सॉरी रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, वेरी नाइस, ठीक है, इन दोनों का सम है। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन था तो वो चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन की डिस्कशन की मैं अगर मैं एनालॉजीज का डिस्कशन ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी, राइट। हमको एनालॉजीज का भी डिस्कशन करना पड़ेगा, एनालॉजीज इन बिटवीन। हाँ जी बेटा, लीनियर एंड एंगुलर, रिहाना बोलो, लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। अगर रेहाना कुछ बोलना चाह रहे हो तो बेटा माइक ऑन करके बोलो, अदरवाइज आप प्लीज हैंड डाउन कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा लीनियर और इधर चला जाएगा आपका एंगुलर। फटाफट से मेरी टेबल बनवा दो बेटा। मैं एक काम करती हूँ, मैं लीनियर लिख देती हूँ, आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को वो बता दीजिएगा कि एंगुलर क्या होंगे, ठीक है, एस वी ए एफ एम बता दीजिए।
मैम थीटा ओमेगा अल्फा थीटा वी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा? ओमेगा। ए की कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा। एफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं नहीं एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा टाउ। टाउ और एम की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस आप इन चीजों को ना अभी ध्यान रखिएगा, बाकी मैं आपको प्रॉपर फील करा दूंगी चीजें ऐसे क्यों बोली गई। ठीक है चले आगे। यस मैम। चलिए बढ़िया। देखो हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, देखो इसी के एप्लीकेशन पे एक बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लीनियर वेरिएबल्स के साथ पढ़ी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बेटा ये सारी की सारी इक्वेशंस तभी वैलिड है जब a आपका कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, अगर ए कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये वाली चीजें यूज नहीं करते, तब हम यूज करते कि v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, या फिर आप a को इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। याद है ये सब बातें हम करते हैं। yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा एक मिनट रुको, जरा मैं इसका एक बार इक्वेशन सही कर दूं। देखो हम ऐसे लिखते डीवी है ना, तो डीवी को ऐसे लिख देते, डीटी को अलग लिख देते और डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते तो बात तो सेम हो जाती, लेकिन आपको पता है कि डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, तो ये वी डॉट डी वी बाई डी एस आ जाता। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्म याद रखते हैं, ये रखते हैं। तो जो मैंने ये वाली टर्म लिखी है ना बेटा, इसको इसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है, ये 100% ट्रू है। ठीक है, ये 100% ट्रू है आपका, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज सपोज टू बी कांस्टेंट। अब जब आप एंगुलर वेरिएबल्स में एंटर करते हो तो ये कहता है कि आपके पास प्रिविलेज है यही सेम इक्वेशंस यूज करने की, लेकिन कब? कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अल्फा कांस्टेंट है, अगर आपके पास अल्फा कांस्टेंट है तो आप बेधड़क लिख दीजिएगा कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। देखो ओमेगा ही तो रेप्लिका होता है ना, वी की जगह ओमेगा लिख सकते थे एनालॉजी के हिसाब से। यस मैम। यस आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, आप लिख सकते हो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, आप इधर आ जाइए, इधर आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, और आप लिख सकते हो इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, और ये भी 100% ट्रू है विदाउट एनी कंडीशन। क्या चीज समझ में आई? यस मैम। तो कुछ क्वेश्चंस दूं मैं आपको? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, फिर पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, कि अगर ओमेगा टी स्क्वायर प्लस 4 है तो बताइए कि थीटा क्या होगा एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, आपको एक कंडीशन और दे रखी है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड, मतलब कि आपको एक रिलेशन दे रखा है ओमेगा का टी के साथ, आपसे पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा 2 सेकेंड पर, आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस बेटा क्वेश्चन में गिवन है और आपसे पूछा है कि आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बता दीजिए। क्या समझ आया हमको क्वेश्चन? चलिए तो आपके पास 2 मिनट है, अभी 6:19 हो रहे हैं, 6:21 तक आप बता दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का।
बेटा आंसर। अच्छा अभी एक मिनट है, ट्राई कर लो। बेटा टाइम हो गया है, मैं बताऊं क्या? बेटा हाँ जी अनामिका, आप बताइए क्या आ रहा है। मैम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 16/3 पाई रेडियन आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट दी थीटा? मैम ओमेगा ओमेगा डॉट डी टी। नहीं, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? चलो कोई नहीं, आपने एक्चुअली आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सही निकाला ना, तो आई फेल्ट कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब फॉलो अप होगा कि अगर आपके पास ओमेगा या वो बेसिकली थीटा होगा, बट दैट्स कूल। चलो कोई नहीं, सिड्रा आप बताओगे। जानवी आप बताना चाहोगे बच्चे? मैम थीटा इज 32/3, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 16/3 पाई। वेरी नाइस जानवी, वेरी नाइस। चलिए तो लेट मी डू दिस थिंग। एक बारी मैं सॉल्व क्या बोल रहा हूँ सिड्रा। क्या 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 कुछ नहीं बोल रहे आप, बस मैम बोला आपने। अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है, आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो, राइट। चलो कोई इशू नहीं बेटा। मैम हाँ जी बेटा। मैम आपने ये सब करवाया था ना? यस मैम। मैम एक बार हो चुका है ये, हो चुका है सारा? यस मैम। उस दिन वीडियो स्टक हो गई थी, मुझे बस ऐसे याद था कि हमारा वीडियो। मैम आपने फिक्स्ड फोर्स तक पढ़ा दिया था। हाँ तक पढ़ा दिया था बेटा, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। नहीं नहीं वो तो देखो फोर्स वाला तो अलग चीज है, फोर्स वाला तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था ना बेटा। नहीं हो गया मैम। मैंने टॉर्क बता दिया था आपको, टॉर्क क्या होता है? नो मैम। अच्छा बस ये क्वेश्चंस हुए थे। चलो ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो पाई ना, क्योंकि वो स्टक हो गई थी पूरी। Yes. तो एक काम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर टॉर्क स्टार्ट कर देंगे, चलेगा? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आप यूज करते हो डिफ्रेंसिएशन का, राइट। अगर मुझे इस चीज को ऐसे लेके जाना हो, ऐसे कोई पूछे, तो मैं डिफ्रेंसिएशन यूज करूंगी। लेकिन अगर कहीं मुझसे पूछ लिया जाए, एक्सेलरेशन दे रखा हो और वेलोसिटी पूछ ले, तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी दे रखी हो और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो भी मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही काम आपका बेटा लीनियर वेरिएबल्स के साथ जैसे होता है, वैसे ही एंगुलर के साथ भी होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मुझे ओमेगा गिवन है, थीटा पूछा गया है, मतलब वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुई जा रही है, तो मुझे इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, एंड इफ समवन इज आस्किंग मी अबाउट दी ओमेगा वो सॉरी एंगल, तो आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू रन एन इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे उसी के लिए देखो इनिशियल कंडीशन भी दी हुई थी कि ये जीरो हो जाएगा, 2 सेकंड आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास है, आपके पास सारा कुछ है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 dt, और इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके 2 तक, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा t³/3, यहाँ आ जाएगा 4t, 0 से लेके 2 आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो,
तो ये हो जाएगा 8 by 3, 4 to 8 एंड दिस वुड बी जीरो, मतलब माइनस जीरो। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बिल्कुल 32/3 रेडियन आएगा। एंड अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की बात की जाए बेटा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हमको एक जर्नल फॉर्मूला निकालनी चाहिए। कि जर्नल फॉर्मूला हमसे ये बोलता है कि अगर आप एक रिवोल्यूशन करते हो तो उसके अंदर आप 2π एंगल घूम जा रहे हो, ये सुनो, है ना। पूरे रिवोल्यूशन में अपन 360 डिग्री घूम जा रहे हैं, तो बताइए कि एक रेडियन आप कितने में घूमोगे। तो हमने बोला 1/2π रिवोल्यूशन में, तो हमने कहा आप बता दो थीटा कितने में घूमोगे, तो आपने बता दिया थीटा/2π रिवोल्यूशन। तो बेटा ये जो ये है ना, ये आपको फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का, समझ रहे हैं। याद रखिएगा इसमें जो थीटा है ये आप सिर्फ रेडियन में पुट करोगे, दिस इज अ कंडीशन फॉर दिस फॉर्मूला। तो अब हमें थीटा हमारा ऑलरेडी रेडियन में आया है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं इन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला कि यहाँ पे 32/3 पुट कर दूंगी, 2π आ जाएगा और ये 16/3π आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो मैंने खैर आपको बता दिया। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा डिस्कशन है कि कभी भी आपको अगर कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछे, कभी भी कोई आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप कैसे बता पाओगे, वेलोसिटी से बता पाओगे, है ना। कभी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन आप डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर नहीं बता पाओगे, ओके। अगर वेलोसिटी आपकी राइट हैंड साइड है तो यू विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड है तो यू विल कंसिडर एज नेगेटिव, अगर वो अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के बेसिस पर ही चलती हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है, अब सेम से मेरा मतलब आइदर इट कुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, राइट। Yes, ma'am. और अगर ये चीज आपके पास डिफरेंट साइन की आ रही है, आइदर इट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और इट कुड बी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ये रिटार्डेड मोशन होगा। तो कभी भी आप किसी एक साइन के बेसिस पर नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकेंड है और एक वेलोसिटी +25 मीटर पर सेकेंड है, तो बता दो कौन सी पॉजिटिव, कौन सी मतलब कहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, आप नहीं बता पाओगे जब तक मैं आपको एक्सेलरेशन ना दूं। समझ रहे हो? यस मैम। चलिए, बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, अब मैं आपको ले चलती हूँ एक छोटे से क्यूट से बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे, एंड दैट इज टॉर्क, ठीक है। टॉर्क, अभी जब आपने एनालॉजी पढ़ी थी तब आपने बोला कि मैम टॉर्क इज द एनालॉजी ऑफ लीनियर फोर्स, राइट, इसका एनालॉजी था। बेटा टॉर्क को ना आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये अमाउंट ऑफ टर्निंग भी बताता है, तो ये कुछ नाम है, अगर ये क्वेश्चन में आपको दिखे तो मतलब टॉर्क की बात हो रही है, ठीक है। ये फोर्स का एंगुलर एस्पेक्ट है, आप ऐसे बोल सकते हो एंगुलर एस्पेक्ट ऑफ फोर्स। बड़ी सिंपल सी इसकी बात है, ये कहता है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, थोड़ा सा जरा डायग्राम वगैरह बनाते हैं मजा आएगा, एक बॉडी है, एक सेकंड, देखिए ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है, देखो यहां से हमने ऐसे ऐसे फिक्सा कर दिया है, ठीक है, यहां से ये फिक्स्ड है काइंड ऑफ ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इस रॉड, इस जो ब्लू ब्लू मैंने बताया ना, इसके अबाउट ये घूम रही है, घूम सकती है। अब इसको आपने गेट की तरह इमेजिन करो, हम सबके घर में गेट है, yes, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा
तो उस गेट का एक हिस्सा जो है वो आपका बोल्ट होता है ना, क्या कहते हैं, फिक्स्ड सा होता है आपके दीवार में होता है, और एक होता है जिसको आप खोलते रहते हो, उसको पकड़ के आप झूलते रहते हो फ्री टाइम में. सो द थिंग इज कि ये जो आपके पास हाँ, तो ये जो आपके पास गेट है, एक बात बताओ, उसपे मैंने आपको दो तरीके से फोर्स दी. एक मैंने फोर्स आपको ऐसे दी, लेट मी चेंज द कलर, सिमिलर सा लग रहा है. एक फोर्स मैंने आपको ऐसे दी और एक फोर्स मैंने आपको ऐसे दी. लेट से एफ वन और लेट से कि ये है आपका एफ टू. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको फोर्सेस दी. क्या आप मुझे बता पाओगे किस फोर्स की वजह से ये गेट घूमेगा? कितने बच्चे एफ टू बोल रहे हैं, हैंड रेस करो. ओके ठीक है, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस. आठ बच्चे बोल रहे हैं, और ये आठों में से कोई मुझे बता दो कि एफ वन क्यों नहीं करेगा. वो आगे ले जाएगा ना. और कोई बताएगा? अनामिका, नहीं नहीं जानवी ने बिल्कुल सही बोला कि बेटा F1 जो है ना, उसका काम क्या होगा, वो डोर को आगे तोड़ के ले जाए अपने साथ, ऐसे वाला. अब हमें गेट खोलना है, तोड़वाना थोड़ी है. तो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही बेटा क्या कर पाएगी, आपको एक अमाउंट ऑफ टर्निंग या फील ऑफ टर्निंग दे पाएगी, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स. इज दैट ओके? यस मैम. वेरी नाइस. अभी परपेंडिकुलर किसके? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के. ये जो ब्लू ब्लू सा था ना, इसे बोलोगे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है. ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हमारा फोर्स जो है परपेंडिकुलर आ रही है बेटा, तो आप उस फोर्स को ही कंसिडर करोगे. क्या चीज समझ में आई? यस मैम. चलिए बहुत बढ़िया. इसीलिए बेटा टॉर्क को लिखा जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है आर क्रॉस एफ. ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये आता है आर एफ साइन थीटा. हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो थीटा है, दिस इज एंगल इन बिटवीन आर एंड एफ, आर एंड एफ. अब आप कहोगे कि मैम आर कौन सा फॉर्म वो हुआ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी है आपके पास और मैं बोलूंगी यहां से एक्स, ये डिस्टेंस आर है, तो हमेशा हमेशा आर होता है रेडियली आउटवर्ड. ये जो डायरेक्शन होगी ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी. फिर फोर्स ऑफ जो भी आपको दे रखा है वो ले लीजिएगा. ठीक है, तो ये एंगल हमेशा इन दो के बीच का ही होगा, याद रखेंगे. यस मैम. यहां से आप बोल पाओगे कि जो टॉर्क है ये आपका तीन बातों पे डिपेंड करेगा. पहला डिपेंड करेगा आपने कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है, दूसरा डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कहाँ लगाया है, कहाँ से मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लगाया है. ठीक है, ये पॉइंट आएगा. और तीसरा बेटा आपने किस एंगल पर लगाया है, तो ये चीजें हमें मैटर करेंगी. क्या समझ में आता है? हाँ, एक क्वेश्चन करोगे भाई? हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास एक इस तरीके का फिक्स्ड सपोर्ट है. ठीक है, इस फिक्स्ड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग हमने लटकाई है, उससे एक बॉब लटका दिया, एक मेटल बॉल लटका दिया, जिसका मास आपको 1 kg क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, ये जो लेंथ है ना स्ट्रिंग का बेटा, ये 1 meter आपको गिवन है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपने इस स्ट्रिंग को 30 degree डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि आप इस सिचुएशन में इसको ले आए, ये एंगल आपको 30 degree दिया हुआ है. ठीक है, तो इस फाइनल स्टेट पे जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई है ना, इस पे आप निकालिए फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ऑल द फोर्सेस
that are acting upon the bob. ठीक है, बॉब पे आपको लगता है जो भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस की वजह से आप टॉर्क बताइए. हमेशा बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आपसे टॉर्क का जिक्र होगा ना तो हमेशा वो आपको बताएगा कि किस फोर्स की वजह से और किस पॉइंट पे, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि टॉर्क आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है. तो ये दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो आपको जरूर देगा. एक ही बॉडी पे अगर 10 फोर्स लग रही है ना तो हर फोर्स की वजह से अलग अलग टॉर्क आएगा उस बॉडी पर. समझ रहे हो? यस मैम. चलिए बताइएगा सॉल्व करके, आपके पास 2 मिनट है. 36 हो रहा है, 38 पे मैं पूछूंगी. बेटा आ गया क्या आंसर आपका? समय हो गया है, मैं बताऊं? मैम इसका आर कैसे निकलेगा? बेटा आर आपको निकालना पड़ेगा ना फोर्स के हिसाब से, जिस भी फोर्स की आप बात कर रहे हो, राइट? यस मैम. ठीक है, चलो मैं बता दी. देखो मुझे लग रहा है कि एक तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, एक अर्थ की वजह से ये मास mg आएगा. बेटा आप क्या करोगे, आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो. ये 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो यहां पर mg cos 30 डिग्री और इसकी परपेंडिकुलर आपके पास जाएगा mg sin 30 डिग्री, राइट? Yes, अब एक बात बताओ, ये जो t और mg cos 30 है ये तो इसी लेंथ से आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो अगर मैं टेंशन की बात करूं और r की बात करूं तो इनके बीच में तो थीटा 180 डिग्री आ रहा है और मुझे पता है कि साइन 180 डिग्री तो जीरो होता है, मतलब टॉर्क ड्यू टू टेंशन तो जीरो हो जाएगा, राइट बेटा? Yes, ma'am. अब अगर मैं बात करूं mg cos 30 डिग्री की,
तो आप कहोगे मैम एम जी कॉस 30 डिग्री और आर, इनके बीच थीटा 0 डिग्री है और मैम साइन 0 तो 0 होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। अगेन टॉर्क ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो 0 न्यूटन मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो गई। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट सिर्फ ये है जो इस 1 मीटर लंबी रस्सी के या स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है। यस और नो? तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो वो तो आएगा आर इंटू एफ। अब आप ध्यान से देखना, ये फोर्स येलो वाला और ये स्ट्रिंग, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, तो यहां मैं साइन 90 लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ये थीटा आर और एफ के बीच में होता है। इस हिसाब से आपके पास यहाँ पे आर इंटू एफ आया। आर आपके पास 1 आ गया, 1 मीटर का रस्सी था, 1 मीटर का ही डिस्टेंस हो गया। और बेटा एफ है आपके पास एम जी, तो एम है 1, जी है 10 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ध्यान रखना ये साइन 30 फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू है ना, एम जी बाई 2। अदरवाइज एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री, आप इनसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये आपके पास 5 न्यूटन मीटर आ गया। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ पॉइंट ये था कि आप ये चीज समझ पाओ कि एक ही बॉडी पे टॉर्क हर फोर्स की वजह से डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू दे सकता है और एंगल और सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? अब आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, और एक एसएल अरोड़ा, ये मेरे को पसंद है, ई बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है, मेरे जो बिटली लिंक है, आप चाहो तो वहां से देख लो, खरीदेगा कोई भी नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास होगी, आप प्लीज उस एनसीईआरटी से एक बार इस चैप्टर की स्टार्टिंग लगाइएगा उन टॉपिक्स की जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। हेलो खुशी मैम, आप बच्चों को बोल देना कि कोई क्लास लीव ना करे, पोल कंडक्ट कराना है फाइनल एग्जाम्स के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कोई भी बेटा क्लास अभी लीव मत करिएगा, सर आपसे बात करेंगे। दूसरी चीज, आपके पास ये जो संडे है यानी कि 21st of Jan, उसमें आपका पेपर है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज इसको याद रखिएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपका आ रहा है, आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा बिटली लिंक पे मिल जाएगा मटेरियल, ठीक है। और आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ओवर देयर, ठीक है। यस मैम, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड। अभी सर आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, आप रुके रहेगा। थैंक यू मैम, पोल आ गया मैम, एक बार आप बच्चों को बोल देना फिल के लिए।